الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على वसलात الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد प्यारे भाइयों और दीनी बहनोंकम वरह वबरकत आज हमारी गुफ्तू का टॉपिक होगा हज तोलव यानी अल्लाह के रसूल वसल्लम के अंतिम हज के भाषण पर चिंतन मनन हिजरत के दसवें साल अल्लाह के रसूल वसल्लम हज की अदायगी के लिए निकले ताकि नमाज़ रोज़ा और ज़क़़त के जैसे लोग हज का तरीक़ा भी आपसे प्रैक्टिकल रूप में सीख लें दिलका में ऐलान कर दिया गया कि इस साल अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम हज के लिए निकलने वाले हैं ये खबर मुल्क में फैल गई और हर तरफ़ से लोग जमात के जमात मदीना में इकट्ठा हो गए हालांकि यही लोग थे जो कुछ सालों पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे लेकिन आज आपकी संगत में हज करना अपने लिए शदत और सौभाग्य समझ रहे हैं उनतीस दिलकादा को साहब कराम का ये महान काफ़िला अल्लाह के रसूल सल्ला वम के साथ मदीना से मक्का के लिए रवाना हुआ और नौ दिन में मक्का पहुंच गया आज हिज्जा की नौवीं तारीख़ है अल्लाह के रसूल सल्ला वम अपने साथियों के साथ सूरज ढलने के बाद अरफा में पहुंच चुके हैं यहाँ आपने एक लाख चालीस हज़ार ईमान वालों की जमात में अपनी ऊँटनी पर सवार होकर एक खुतबा दिया जिसे खुतब हजतुलवि के नाम से हम जानते हैं प्यारे भाइयों और दीनी बहनों हर इंसान की इच्छा होती है ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत का फल देखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने अपनी तेईस साल में जो मेहनत की थी आखिरी हज के मौका पर एक लाख चालीस हज़ार की तादाद असल में आपकी मेहनत का फल थी फल उन चमकते चेहरों को देखकर आपका दिल खिल रहा था और फिर ये हज भी आखिरी हज था की इतनी बड़ी तादाद का इकट्ठा होना भी आपकी ज़िंदगी के लिए आखिरी बार था जिसका आपको एहसास भी हो चुका था कि आपकी मौत अब करीब है इसलिए आपने इस मौका पर तीन खुतबा दिया और तीनों का टॉपिक तकरीबन एक ही था कि आपने अपनी उम्मत को फतह और ताकत पाने के बाद एक पैगाम दिया था मैसेज दिया था संदेश दिया था हजतलविदा का खुतबा इस्लाम के व्यक्तिगत और सामूहिक नैतिकता और इस्लामी शरीयत के सिस्टम का एक व्यापक संविधान है आप वसल्लम के तेईस वर्षीय संघर्ष का सारांश और इस्लामी शिक्षाओं का सार है अगर कोई आदमी इस्लाम का परिचय प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए इस भाषण का अध्ययन काफ़ी है अगर कोई आदमी इस्लाम की व्याख्या चाहता है तो ये भाषण उसके लिए मार्गदर्शक है और सबसे बढ़कर ये भाषण मानव अधिकार का वैश्विक संविधान है आज पश्चिम का दावा है कि वही मानव अधिकार के वास्तविक वाहक हैं काश उन्होंने मुहम्मद अलैहि वसल्लम की जीवनी का अध्ययन किया होता और हजुलदा के भाषण पर गौर किया होता तो उन्हें पता चल जाता कि आज से चौदह सौ साल पहले रसूल रहमत ने मानव अधिकार का चार्टर लागू किया था आज दुनिया मानव अधिकार की बात करती है जी हाँ आज दुनिया मानव अधिकार की बात करती है लेकिन बिना किसी अपराध के लाखों इंसानों को जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं महिलाएं विधवा हो रही हैं बच्चे अनाथ हो रहे हैं लाखों की संख्या में लोग भूख से मर रहे हैं महिलाओं के अधिकार की बात की जाती है हालांकि अधिकार के नाम पर महिलाओं को नंगा कर दिया गया है और मिनटों मिनटों में उनके साथ छेड़खानी होती है बलात्कार हो रहा है कहाँ है मानव अधिकार कहाँ है महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले आइए ज़रा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम हज के भाषण पर चिंतन मनन करते हैं और देखते हैं कि कैसा मानव अधिकार का चार्टर पेश किया था मोहम्मद वसल्लम ने आइए इस भाषण पर एक एक करके हम गौर करते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने के बाद पहली बात जो कही वो ये थी कि लोगों मेरी बात सुनो मैं नहीं समझता कि आइंदा कभी हम इस तरह किसी सभा में जमा हो सकेंगे इसमें अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने लोगों को एहसास दिलाया कि मुमकिन है कि मेरा ये अंतिम भाषण हो अब इसके बाद इतनी बड़ी सभा को संबोधित करने का हमें अवसर न मिल सके इसलिए हमारी जो बातें हो रही हैं इन बातों पर ध्यान देना गौर करना चिंतन मनन करना दूसरी बात जो कही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो है जान माल और इज्जत के सम्मान का आदेश जान माल और इज्जत के सम्मान का आदेश देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिमाअकुम व अमवालकुम व वा आरादकुम हराम कुम्हादा फ़ी बलद हादा, फ़ी हादा फी सही बुखारी की रवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन तुम्हारे खून तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्ज़त आपस में इस तरह सम्मान के काबिल हैं जैसे तुम्हारा ये दिन तुम्हारा ये शहर और तुम्हारा ये महीना सम्मानित है इन संक्षिप्त लेकिन व्यापक शब्दों में आप सलील्हल वसलम ने लोगों के अंदर ये एहसास पैदा किया के जिस प्रकार आज के दिन को तुम सम्मानित मानते हो जिस तरह तुम दिल के महीने को सम्मानित मानते हो जिस तरह तुम मक्का की धरती को सम्मानित मानते हो उसी तरह इंसान की जान उसका माल और उसकी इज्ज़त भी तुम पर हराम है इसमें आप वसल्लम ने तीन चीज़ों की हरमत का ऐलान किया जान की हरमत माल की हरमत और इज्जत की हरमत जान की हरमत माल की हरमत और इज्जत की हरमत इंसान की जान इस्लाम की नजर में इतना सम्मानित है कि दूसरों पर इस्लाम ने ज्यादती को हराम ठहराया चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो इस्लाम ने एक इंसान के अकारण हत्या को सारी इंसानियत की हत्या सिद्ध की है और इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच कोई अंतर नहीं किया चुरामायदा आयत नंबर थर्टी टू मन क़त नफसन बैर नफसिन ओफसाद फ़िल् फ़न्मा कत ना सजमियाँ वो मन अह्या फ़न्मा अह नास जमियाँ जो कोई किसी इंसान को जबकि उसने किसी की जान ना ली हो या जमीन में फसाद न मचाया हो कत्ल करे तो मानो के उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर डाला और जो कोई किसी एक इंसान को नाहक कत्ल होने से बचाए तो गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई यह है इस्लाम का आदेश और सही बुखारी की रवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्त फरमाया मन लम यरह मनकतम अल जन्नत यौम अल कियामा जो कोई इस्लामी हुकूमत में रहने वाले किसी ग़ैर मुस्लिम को कत्ल कर देता है जिसके साथ एग्रीमेंट है वो जन्नत की क़यामत के दिन खुशबू भी ना पाएगा हालाँकि उसकी खुशबू चालीस साल की मसाफ़त से आ रही होगी इंसानी जान की ये अहमियत है इस्लाम की नज़र में और अगर किसी ने किसी को ना हक कत्ल कर दिया तो कातिल के लिए ये सज़ा निर्धारित की कि उसके बदले कातिल को कत्ल कर दिया जाए ताकि समाज में ऐसे तत्व को बढ़ने और पनपने का मौका ही ना मिले अगर कतिल को मकतुल के बदले कत्ल कर दिया जाए तो हजारों इंसानों को डर लाक होगा और कोई भी किसी के कत्ल का साहस न कर सकेगा सुरालबरा आयत नंबर एक सौ उनासी वाल्मिलसा से हयातुनिया उरिलबाब बुद्धि रखने वालो ऐ अकल रखने वालों तुम्हारे लिए कसास में ज़िंदगी है और आत्महत्या की बहुत सख्त वीद बयान की जान की सुरक्षा के लिए और इस्लाम ने जान के सम्मान की खातिर ही ऐसी उन तमाम चीज़ों को हराम ठहराया नाजायज़ ठहराया जो इंसानी जान की हलाकत और बर्बादी का सबब बनती हैं जैसे शराब और दूसरे नशीली पदार्थ का सेवन करना जान की ही तरह इस्लाम की नजर में माल भी बहुत सम्मानित है चुनानची इस्लाम ने माल कमाने पर उभारा और उसकी सुरक्षा का आदेश दिया यहाँ तक कि अगर कोई आदमी उसकी सुरक्षा करते हुए कत्ल कर दिया जाए तो उसे शहादत का दर्जा दिया है सुन तिरमी की रवायत है अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया मन ही फहुआ जो आदमी अपने माल की हिफाजत करते हुए कत्ल कर दिया जाए वो शहीद का दर्जा रखता है उसी तरह इस्लाम ने माल कमाने के उन सारे रास्तों को बंद कर दिया जिनसे किसी का हक मारा जाता हो चोरी डकैती रिश्वत और ब्याज आदि के ज़रिया माल हासिल करने से मना किया और इसकी सख्त वीदें भी बयान किए इज्जत की हरमत पर भी इस्लाम ने ख़ास ध्यान दिया सहवास को ना बेलगाम किया कि इंसान जानवर बन जाए और नहीं ही उसका दरवाज़ा बंद किया कि एक इंसान सन्यासी बनकर जंगल में जा कर के तपस्या करने लग जाए बल्कि विवाह के पवित्र रिश्ते से उसे जोड़ दिया वह भी चार जिससे इज़्ज़त बर्बाद होती है इस्लाम ने न सिर्फ़ उस पर रोक लगाया बल्कि सबसे पहले दिल में अल्लाह की निगरानी का एहसास पैदा किया कि कोई देखे ना देखे अल्लाह तुझे देख रहा है उसके फरिश्ते तुम्हारी एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं और तुम्हारे शरीर के एक एक अंग कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास तेरे ख़िलाफ़ गवाही देंगे और ये धरती भी जहाँ छुप कर अल्लाह की अवज्ञा की थी वो भी तेरे खिलाफ़ हो जाने वाली है ये एहसास पैदा होने के बाद एक इंसान स्वयं को सुधार लेता है लेकिन इस्लाम ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि जना के माध्यम पर भी रोक लगा दी और ऐसे एहतियाती नियम दिए कि जना तक पहुँचने की नौबत ही ना आए जैसे औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया मर्द और, और औरत दोनों को अपनी नज़रें नीचे रखने की ताक़ीद की लेकिन चूँकि समाज में बीमार स्वभाव के लोग पाए ही जाते हैं जिनके लिए मात्र उपदेश कभी कभी काफ़ी नहीं होता ऐसे बीमार स्वभाव के लोगों के लिए सख्त से सख्त सخस सज़ा की भी ज़रूरत थी कि अगर दोनों शादीशुदा हैं और जिना कर लेते हैं तो दोनों को रजम कर दिया जाए अर्थात पत्थर से मार मार कर ख़त्म कर दिया जाए और अगर गैर शादीशुदा थे और उन्होंने जना किया तो उनको सौ कोरे मारे जाएं और एक साल के लिए मुल्क से निकाल दिया जाए और अगर किसी ने किसी पाक दामन मर्द या औरत पर जेना का आरोप लगाया और चार गवाह पेश न कर सका तो इज्जत के सम्मान के लिए इस्लाम ने आदेश दिया कि आरोप लगाने वाले सब को अस्सी कूड़े मारे जाएंगे अंतिम हज के भाषण में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात जो कही उसका संबंध जातिवाद और रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव को ख़त्म करने से था चुनानचे आप ने रंग और नस्ल के अंतर को मिटाते हुए फरमाया, या फ़रमायान्नासिन वाहिद व वा अबाकुम वाहिदुन, अला लाफल अरबीन अला अजमीन वलाल अजमीन अला अरबी अला असवद वला असद अलामर लाभ तकवा लोगो तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप आदम भी एक है सुन लो कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई प्राथमिकता हासिल नहीं और न किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई तरजीह हासिल है न काला गोरे से बेहतर है और न ही गोरा काले से बेहतर है हाँ बुज़ुर्गी और फजीलत का कोई मैार हो सकता है तो वह तकवा है अल्लाह का डर है इंसान सारे के सारे आदम की औलाद हैं आदम की संतान हैं और आदम की हकीक़त इसके अलावा और कुछ नहीं कि वो मिट्टी से पैदा किए गए अब तुम दूसरों पर अपनी प्रधानता साबित करने की कोशिश क्यों करते हो अब प्राथमिकता के सारे दावे मेरे पैरों तले कुचल दिए गए इस्लाम ने इस तस्वूर को इस क़दर मिटाया कि ओ अरब जो जातिवाद पर जीते थे हर कबीला दूसरे कबीला पर अपनी प्रधानता साबित करने में लगा रहता था इस्लाम कबूल करने के बाद सबके सब भाई भाई बन गए शीरो शखर बन गए हबशा के बिलाल रोम के सुब फ़ारस के सुमान और क्रैश के अबू बकर रजी अल्लाह अजमाइन सब एक झंडा तले जमा हो गए थे जाहिर है कि दुनिया के सारे इंसान जब आदम ही की संतान हैं तो उनके बीच भेदभाव क्यों कर जातिवाद की बात कहाँ से आएगी अंतिम हज के भाषण में अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने चौथी बात जो कही उसका संबंध अज्ञानता काल के रीति रिवाज का खंडन था चुनाचे अल्लाह के नबी सहल्म ने अज्ञानता काल के रीति रिवाज का खंडन करते हुए फरमाया कुल्ल इन मिन अमरजाहियत तहतम अज्ञानता कल का सब कुछ मैंने अपने पैरों से रोंद दिया उनकी कोई अहमियत नहीं है हमारी नजर में अज्ञानता काल के खून के सारे बदले अब ख़त्म हो चुके हैं पहला बदला जिसे मैं ख़त्म करता हूँ मेरे अपने परिवार का है रबिया बिन हारिफ के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनू हुदैल ने मारा था और जिसका अब तक फ़ैसला होना बाकी था अब मैं उसे माफ़ करता हूँ उसी तरह सूदी कारोबार का खंडन करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज्ञानता काल का ब्याज सूद अब कोई हकीक़त नहीं रखता कोई अहमियत नहीं रखता पहला सूद जिसे मैं ख़त्म करता हूँ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के परिवार का सूद है अब ये प्रतिबंध हो गया ये आपके चचा थे ज़रा गौर कीजिए अल्लाह के रसूल वसल्लम ने अपने इस भाषण में अज्ञानता काल की दो प्रथाओं का चर्चा किया ब्याज और खून का बदला और कहा कि जो कुछ हुआ सो हुआ अब उसको भूल जाओ लेकिन आपने क़ानून बनाने पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि आपका नयाए देखें आपका इंसाफ देखें कि अपने परिवार पर सबसे पहले उस कानून को लागू भी किया अपने खानदान के खून बहा को माफ़ किया अपने चचा के सूद पर पाबंदी लगाई आज के बादशाह और क़ानून बनाने वाले भी जब कानून बनाते हैं तो उनकी कोशिश क्या होती है उनकी कोशिश होती है कि इससे सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को और जान पहचान के लोगों को मुक्त किया जाए लेकिन दरा नबी रहमत के नयाए पर गौर कीजिए उनके इंसाफ पे ध्यान दीजिए कि जब आप कानून बनाते हैं तो सबसे पहले उसे अपने ही परिवार के लोगों पर फिट करते हैं लागू करते हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने सूद पर आखिर पाबंदी क्यों लगाई ब्याज पर प्रतिबंध क्यों लगाया इसलिए कि हमारे खालिक और मालिक ने खुले शब्दों में कह दिया है कि सूदी कारोबार करने वालों का माल बढ़ता नहीं बल्कि घटता है यमहुल्ल रबा वबी सदकात। अल्लाह सूद को मिटाता है और दान को बढ़ाता है अल्लाह और उसके रसूल से सद जंग का ऐलान करता है फैलम तफ अलूफ़न बर बिमिनल्ला व रसूली अगर तुम सदी कारोबार से नहीं रुकते तो अल्लाह और उसके रसूल की ओर से तुम्हारे ख़िलाफ़ जंग की घोषणा है ब्याज का एक दिरहम खाना मानो अपनी माँ से वह विचार करने के समान है मुश्दर हाकिम की रवायत है अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने इशात फरमाया

सूद का एक दिरहम जानते बूझते खाना अल्लाह की नज़र में छत्तीस मरतबा जिना करने से भी बदतर है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्याज लेने और देने वाला शरीयत की नज़र में कितना बड़ा मुजरिम है और ब्याज का मामला चाहे किसी साहूकार के साथ हो या सूदी बैंकों से हो, हुक्म बराबर है हराम है नाजायज़ है अंतिम हज के भाषण में अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने पाँचवीं बात जही उसका संबंध सामाजिक जीवन की स्थिरता से था चुनाची अल्लाह के रसूल सल्ला वल् ने सामाजिक और वैवाहिक जीवन में स्थिरता की तरफ ध्यान दिलाते हुए लोगों को खिताब किया और फरमाया फिन फ़िन नुम अखमान देखो औरतों के संबंध में अल्लाह का डर रखना क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की सुरक्षा के साथ प्राप्त किया है वस्तल तुम फ्रोज हन्नबले मतिल्ला और तुमने अल्लाह के कलेमा द्वारा उनकी इज़्ज़त को अपने लिए हलाल किया है इन लकुम फ़ुरशकुम अल्ला तक रहू न हो और महिलाओं पर भी तुम्हारा ये अधिकार है कि वो अपने पास किसी ऐसे आदमी को न लाएं जिसे तुम नापसंद करते हो फ़िन फल नदाली का फ़द्र बोहन नन गैर मुबर विश्वासघात ना करें कोई अश्लीलता का काम ना करें अगर ऐसा करती हैं तो अल्लाह की तरफ़ से तुम्हें अनुमति है कि उन्हें मामूली जिस्मानी सजा दो ताकि वो बाज़ आ जाए वलन्नाकुम रिस्को हन्ना व किस्वत बिलमारो और सुन लो कि उनका तुम पर यह हक़ है कि तुम उन्हें भलाई के साथ खिलाओ और पहनाओ मतलब ये कि मोहम्मद ने औरतों के संबंध में ये बात बताई कि उनके बारे में अल्लाह से डरना और उनके अधिकार अदा करना रा गौर करो वो औरत तुम पर हराम थी अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए जायज़ ठहराया तो अब उनके अधिकारों की अदायगी ज़रूरी है उनको वही खिलाओ जो तुम खाते हो उनको वही पहनाओ जो तुम पहनते हो और उनसे अच्छा मामला करो अच्छा व्यवहार करो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके साथ भले तरीक़े से रहो सहो वा शेरुहन फ़िन करे तुमुहुहुहन नफा सा अन तक रहो शेज अल्लाह फ़ी खैर कसीरा कि अगर वो तुम्हें पसंद ना हो तो मुमकिन है कि तुम एक चीज़ पसंद ना करो हालांकि अल्लाह ताला ने उसी के अंदर भलाई रखी हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के बारे में क्या फ़रमाया कि लाया फ़रक ममिनत मुमिन, इन करे हम खोलोन रविया मिनहा आखर कि कोई भी मोमिन अपनी मोमिना बीवी को नापसंद ना करे अगर उसकी कोई एक चीज़ उसको पसंद नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको पसंद होंगी जी हाँ खूबियों पर नजर रहनी चाहिए खामियों को नज़रअंदाज करना चाहिए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों का हक़ औरतों पर क्या है इसे भी बयान किया कि तुम अपने घर में जिसे दाखिल होने को पसंद नहीं करते हो तुम्हारी बीवियों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को बरतने की कोशिश करें और ऐसे मर्द को अपने घर में दाखिल ना होने दें जिसे तुम पसंद नहीं करते हो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि औरत की गर्दन में रस्सी डाल दी जाए और किसी से मिलने जुलने पर भी पाबंदी लगा दी जाए रिश्तेदारों से मिलने जुलने की इजाज़त होनी ही चाहिए क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं हाँ गैर मर्दों के घर में आने पर ज़रूर पाबंदी होनी चाहिए जी हाँ ये है वैवाहिक जीवन की वो इकाई जिससे समाज का गठन होता है अगर यहाँ मतभेद आ गया तो जीवन अजीरन बन जाता है वैवाहिक जीवन ख़राब हो जाता है और बच्चों पर भी उसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं चुनाच अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पति और पत्नी दोनों के अधिकार बयान किए ताकि वैवाहिक जीवन सुखी जीवन गुजरे और इस तरीक़े से घर जन्नत नदीर बना रहे अंतिम हज के भाषण में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छठी बात कही उसका संबंध अमानत की अदायगी से था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की अहमियत पर ज़ोर देते हुए फ़रमाया कि फमन अंतिम हज के भाषण में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने छठी बात जो कही इसका संबंध अमानत की अदायगी से था आप ने अमानत के महत्व पर जोर देते हुए फ़रमाया कान का नमानतन फल एलामन इतम आ रही अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे अमानत क्या है अमानत का अमल दखल दीन की सारी चीज़ों में है तोहद अमानत है इबादत अमानत है अखलाकियात अमानत है, सच्चाई वफादारी नेकी भाईचारगी ये सब अमानत हैं उनके अपोजिट झूठ खयानत है धोखा खयानत हैसद जलन और ताल्लुक काटना ये सब खयानत है कारोबारी मामल अमानत हैं ड्यूटी अमानत है इल्म अमानत है शरीर के सारे अंग जो एक इंसान के पास हैं वो सब के सब अमानत हैं आँख अमानत है हाथ अमानत है पैर अमानत है ज़बान अमानत है इज्जत व आबरू अमानत है औलाद अमानत है दौलत अमानत है राज और भेद ये सब अमानत हैं क्या आपने सुना नहीं कि हजरत मदीना के मौका से कुरैश के जो शरीर किस्म के लोग थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या का नापाक इरादा किए आपके घर की घेराबंदी कर चुके थे और सब के सब तलवारें नियाम से बाहर किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन आपको ऐसी गंभीर स्थिति में भी अगर कोई फ़िक्र सता रही थी तो इसी अमानत की इसी अमानत के बारे में आप फिक्रमंद थे और अमानत भी किसकी थी दुश्मनों की थी जो आप के खून के प्यासे बने हुए थे एक तरफ दुश्मन आपके खून के प्यासे हैं तो दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं की अमानत की फिक्र खाए जा रही थी यहाँ तक के अपने चचादाद भाई हज़रत अली रदील्ल को अपने बिस्तर पर सुला कर उन्हें बता दिया कि फना फना की अमानतें हमारे पास हैं उन्हें सुबह में उनके हवाले कर देना फिर आप वहाँ से निकलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की अहमियत बताई ताकि लोग इसका ख़्याल रखें और ज़िंदगी के हर रवैये में ख़यानत से बचें इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातों की इस भाषण में नसीहत की चुनानचे आपने फरमाया लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं अपने दासों का ख्याल रखो हाँ अपने दासों का ख्याल रखो उन्हें वही खिलाओ जो तुम खाते हो वैसा ही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो लोगों, अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक़ दे दिया अब कोई किसी वारिस के लिए वसीयत न करे बच्चा उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ हो और जिस पर साबित हो उसकी सज़ा पत्थर है जो कोई अपना नसब बदलेगा उस पर अल्लाह की लानत है कर्ज़ की अदायगी होनी चाहिए आरियत ली हुई चीज़ को वापस करना ज़रूरी है उपहार का बदला देना चाहिए और जो कोई किसी का जामिन बने वो उसका तावान अदा करे किसी के लिए जाए नहीं कि वो अपने भाई से कुछ ले सिवाय इसके कि जिस पर उसका भाई राजी हो खुशी खुशी से दे दे खुद पर और दूसरे पर ज्यादती मत करो ये कुछ भाषण के अंश थे अंतिम हज के भाषण में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातवीं अहम बात जो कही उसका ताल्लुक तल्लक सुन्नत को हर मैदान में मजबूती से थामे रहने से है अपने साहब किराम के सामने वो नियम पेश किया जिस पर चलकर ओ, दुनिया और आखरत में दोनों जगह सफलता प्राप्त कर सकते हैं चुनानचे आपने फ़रमाया तो फी किन तसम तुम भी अबदा किताब अल्लाह है व सुन्नत नबी ही मैं तुम्हारे बीच एक चीज़ छोड़े जा रहा हूँ जब तुम उसको थामे रहोगे तो किसी सूरत में गुमराह नहीं होगे और वो है अल्लाह की किताब और नबी की सुनत अल्लाह के अलैहि वसल्लम का ये आखिरी भाषण था इसलिए आपने उनके सही मार्ग पर कायम रहने का नियम बता दिया कि क़्यामत के दिन तक अगर तुम कुरान और हदीस को थामे रहे तो किसी सूरत में तुम्हारे अंदर गुमराही नहीं आएगी अब आप पूछ सकते हैं कि मुसलमानों में इतने सारे जो फ़िरक़े पाए जाते हैं जिनमें से कुछ लोगों की सिर्फ इस्लाम की तरफ नस्बत पाई जाती है तो आख़िर कुरान और हदीस को मानने का दावा सब करते हैं लेकिन फिर भी वो एक क्यों नहीं होते ये बहुत अहम नुक्ता है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है तो याद रखें कि इसका जवाब आज से साढ़े चौदह सौ साल पहले क़ुरान करीम ने दे दिया था कि सिर्फ़ क़ुरान और हदीस को मानने का दावा करना काफ़ी नहीं बल्कि उसे वैसे ही समझना होगा जैसे साहबा ने समझा था बकरा आयत नंबर एक सौ सैंतीस फ़ैन आमनु बेमिस ममन तुम बेहफ़ अगर वो वैसे ही ईमान लाए जैसे तुम ईमान लाए हो तो हिदायत पर रहेंगे व इन तवलऊ फ़ैीन नमा हम शक़ाक और अगर वो इससे इराद करेंगे मुंह मोड़ेंगे तो वो इख्तलाफ में परे रहेंगे बात बिल्कुल वादे है कि अगर हम जमात बंदी और गरोह बंदी को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें क़ुरान और हदीस को वैसे ही समझना होगा जैसे साहबा ने समझा था जी हाँ मीर कामयाबी के लिए सहब कराम हैं अगर हमने अपनी समझ से अपनी राय से कुरान और हदीस को समझने की कोशिश की तो हमारे अंदर एकता नहीं आ सकती आज क़ुरान सुरक्षित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परमानित अदीस सुरक्षित हैं उन दोनों को सहाबे क़राम ने जैसे समझा था वैसे ही समझना होगा अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे सारे मतभेद ख़त्म हो जाएंगे और सारे मुसलमान एक हो जाएंगे अंतिम हज के भाषण में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आठवीं बात जो कही उसका संबंध शैतान के बहकावे से सावधान करना था चुनानचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान को अब इस बात की कोई उम्मीद नहीं रह गई है कि अब उसकी इस शहर में पूजा की जाएगी लेकिन संभव है कि ऐसे कामों में जिन्हें तुम बहुत कम अहमियत देते हो उसकी बात मान ली जाए और वो इसी पर संतुष्ट भी है इसलिए तुम उससे अपने दीन और ईमान की सुरक्षा करना किससे शैतान से हर दौर में शैतान ने इंसान को बहकाने की कोशिश की है और इंसान ने शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह की नाफरमानी की है शैतान इंसान का अजली दुश्मन है वो कभी नहीं चाहता कि बंदे को सही रास्ते पर चलने दे इसलिए वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है शैतान सबसे पहले ये चाहता है कि इंसान को कुफर शिरक में मुबतला कर दे अगर ऐसा नहीं कर पाता तो वो चाहता है कि उसे बिदायत में फंसा दे अगर इससे भी वो आजिद आता है तो वो चाहता है कि बड़े बड़े गुनाहों में उसे लगा दे अगर इसमें भी उसको कामयाबी नहीं मिलती है तो वो छोटे छोटे गुनाहों में फंसाने की कोशिश करता है अगर इस काम पर भी सफ़लता नहीं पाता तो अहम कामों को छोड़कर ग़ैर अहम कामों में फंसा देता है और इंसान को उसका एहसास भी नहीं होने पाता इसलिए शैतान के फंदे से हर वक्त एक बंदे को होशियार रहना चाहिए अंतिम हज के भाषण में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सारी बातें कही थी आपने फ़रमाया था और हाँ देखो दीनी कामों में गुलू से बचना यानी अतिशयोक्ति करने से बचना कि तुमसे पहले के लोग इन्हीं बातों की वजह से हिला कर दिए गए उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों अपने रब की इबादत करो पांच वक्त की नमाज़ अदा करो महीने भर के रोजे रखो अपने मालों की खुश दिली के साथ ज़क़़त देते रहो और अपने रब के घर का हज करो और अपने अमीर का अनुसरण करो तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अब अपराध ही खुद ही अपने अपराध का ज़िम्मेदार होगा और अब न बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा और न बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा सुनो जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन्हें चाहिए कि ये आदेश ये पैगाम ये बातें उन लोगों को बता दें जो यहाँ नहीं हैं हो सकता है कि कोई गैर मौजूद तुमसे ज़्यादा समझने और याद रखने वाला हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाषण के अंत में फ़रमाया वह अन तुम तुस्लूना फमादा अन तुम कालू लोगों तुमसे मेरे बारे में पूछा जाने वाला है बताओ तुम क्या जवाब दोगे लोगों ने कहा न शहद قد بلغت व अदैत व न हम इस बात की गवाही देंगे कि आपने अमानत यानी दीन पहुँचा दी और आपने रिसालत का हक़ अदा कर दिया और हमारे शुभ चिंतक बने रहे ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और आसमान की तरफ इशारा करते हुए तीन मरतबा फरमाया अश अल्लाह मशहद अल्लाह ए अल्लाह गवाह रहना ए अल्लाह गवाह रहना ए अल्लाह गवाह रहना अल्लाह के रसूल वसल्लम उंगली आसमान की तरफ उठाते हैं इसमें इस बात का सबूत है परमान है दलील है कि अल्लाह ताला सातों आसमान के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है न वो हर जगह है और न ही हमारे दिल में है जैसा कि कुछ लोग समझते हैं बल्कि अल्लाह ताला अर्श पर है कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया मस्तवा अल अर्श फिर वो अर्श पर क़ायम हुआ ये जुमला कुरान करीम में छः जगह पर आया है सुरा आराफ़ आयत नंबर चौवन सराहदीद आयत नंबर चार सजदा आयत नंबर चार सराःफुर्क़ान आयत नंबर उनसठ सराः अर्राद आयत नंबर दो सुरा यूनुस आयत नंबर तीन और सातवीं जगह ताहा आयत नंबर पाँच में अल्लाह ने फरमाया अल अर्श इस्तवा रहमान अरश पर मुस्तवी है और अस... सही मुस्लिम की रवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लौंडी के ईमान की जांच करने के लिए उससे पूछा था आई अल्लाह अल्लाह कहाँ है उसने कहा कि फिस समाँ आसमान में है अल्लाह आसमान पर है फिर पूछा कि मैं कौन हूँ उसने कहा कि अंत रसूल आप अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आय ख़ाफ इन्हा इसे आदात कर दो ये ईमान वाली है किसी औरत के ईमान की जांच कर रहे हैं तो पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है गोया अल्लाह हर जगह नहीं और नहीं हमारे दिल में है बल्कि अल्लाह अर्श पर है हाँ उसका ज्ञान हर जगह है उसका इल्म हर जगह है यानी अर्श पर होते हुए वो हर चीज़ पर निगाह रखे हुआ है प्यारे भाइयों और दीनी बहनों ये था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंतिम भाषण जिस पर चिंतन मनन करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम हज के इस सार्वजनिक भाषण को जान सकें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी संख्या को संबोधित किया था और एक विश्वव्यापी शिक्षा दी थी एक आलमी तालीम दी थी जिसमें इस्लाम का परिचय कराया था और ह्यूमन चार्टर पेश किया था अंत में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की विश्वयापिक शिक्षाओं को अपने व्यवहारिक जीवन में जगह देने की तौफीक अता फरमाए आमीन या रब्बल आलमीन नबीना मुहम्मद व अला आलिही व ही, ही अजमाईन